Hey guys, welcome back to my channel Clay Cravings Club. मैं हूँ फिरदौस अंसारी. Clay Cravings Club vlog. मैं हूँ फिरदौस अंसारी. कैसे हैं आप सब? और कुछ चटू कस्टमर्स को ना सच में मेरा सर का दर्द बन जाता है. प्रेशर लो या हाई कर देते हैं ये लोग सच में. थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ फिर बात करती हूँ. 10 दिन से इस बंदी को समझा रही हूँ तो भी इसके समझ में नहीं आ रही मुझे पागल कर रही है औरत. तो कैसे हैं आप सब? आज का ब्लॉग है रोटी बनाना. अभी चावल बन रहे हैं, वैसे रात का डिनर बन रहा है. डिनर में बना है और दाल और बैंगन, भरे हुए बैंगन की सब्जी और चावल बन रहे हैं. और आज बना रही हूँ रोटी. मैं वैसे मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं आटा गूंथ लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं बनती. और वो किसी का खाना खराब करना, मेरे अब्बू के एक्चुअली दाल नहीं है ना तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है. मेरे से रोटी अच्छी बनती ही नहीं है, मगर मैं आज रोटी बना रही हूँ. तो ये रहा बेलन, ये रहा पटला, नहीं ये पटला नहीं ये बेलन और ये पटला, गड़बड़ हो गई. ये रहा तवा. हम जा रहे हैं रोटी बनाने. शाबाश फिरदौस. लेकिन फिरदौस को रोटी बनाने नहीं आती है. एक बनता है दूसरा बनता है. तो ले लेते हैं सूखा आटा. मैंने आटा दोपहर में ही गूंद लिया था. तो वैसे मम्मी ही बनाते हैं दोनों टाइम रोटी, मैं सिर्फ आटा गूंद के देती हूँ क्योंकि मुझे रोटी सही में नहीं बना कर. तभी मैं अपना किचन साफ किया, बर्तन धोए, चावल बनाने रख दिया और अब मैं बना रही हूँ रोटी. तो सबसे पहले मैं अपनी रिंग उतार दूंगी क्योंकि आटे में खराब हो ही जाएगी. और मैंने लिया है आटे का लोई. और ये वन टेक वीडियो रहेगा, ये कट एडिटिंग बहुत ज़्यादा रह जाता है सच में. तो मैं इसको अच्छे से लोई बना लूँगी जब तक कि गैस जला देते हैं, ताकि इस मेरे को ना मेरे हाथ से रोटी हमेशा चिपक जाती है. तो वही सोच रही हूँ फ्राई पैन में रोटी बनाऊँ तो तवे पे बनाऊँ. आपके कुछ ये है, मैंने लिया लोई. अब मैं बनाऊँगी पतली पतली सी प्यारी प्यारी सी. गोल की गारंटी नहीं है बट वी विल ट्राई बेस्ट. तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थोड़ा सा ले लिया आटा और इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ. ये है आटा, इसको उठा देती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी गर्म हो चुका है. ये मेरी बन गई रोटी. गोल तो नहीं है बट ठीक है. जब तक तवा गर्म हो रहा है मैं दूसरा लोई बना लेती हूँ. YouTube वाले जो भी भैया हो जिनका यूट्यूब है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को वायरल कर दो, मेरे ब्लॉग को वायरल कर. मैं नज़दीक से अच्छी लग रही हूँ ना. वीडियो बनाने के लिए मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई क्योंकि वीडियो में अच्छा दिखना चाहिए. तो ये गर्म हो चुका है, इस पर तेल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? ट्राई करती हूँ, तेल लगा देती हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ.
लो टाइट से ठीक है। लाइट चली गई थी 2 मिनट के लिए, तो मैंने अंधेरे में थोड़ा सा देख लो कि क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। आज सुबह से भी लाइट नहीं थी, बहुत मुश्किल हुई। वाह मेरी रोटी फूल रही है। तो ये हो गई रोटी। हाँ तो वही तो जरूरी है। मेरे अबू पानी बहुत कम पीते हैं और उनको शुगर भी है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और उनको हार्ट की तकलीफ है, तो इस वजह से हार्ट की तकलीफ भी उनको मेरी वजह से ही हुई है। जब मेरा पहला जब मेरी शादी का मैटर हुआ उनको सदमा लग गया। सत्यानाश हो उनका जिनको जिन्होंने ये दुख दिए, उनको डबल हार्ट की तकलीफ है। तो ये देख रहे हो रोटी कितनी अच्छी बन रही है, मुझे तो भरोसा ही नहीं आ रहा है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। वैसे तो 2 ही रोटी बनाना है पर मैं शौक शौक में 3 बनाऊंगी। अब वो पानी बहुत कम पीते हैं तो उनको मैंने अभी सुबह से ना सिमरन दीदी से पूछा ना, तो उन्होंने मुझे अजान दी है। पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना, मेरी आदत है काम करते करते भी मैं पानी पीती रहती हूँ, दो दो घूट, जिससे हमारी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होती है। देखो ठंडी का सीजन आ चुका है और स्किन में पानी की कमी होती है, यूरिन कम हो जाता है, हमको प्यास नहीं लगती ठंड में, मगर उसकी वजह से फिर चेहरे पर भी असर दिखता है। तो रोटी बन चुकी है, मैं बताती हूँ कि मैंने रोटी में क्या कमाल किया। चावल भी दम पर है तो मैं कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखें, पहली बार माशाल्लाह इतनी अच्छी रोटी बनी है जो कि तीनों एक ही साइज की बन, देख रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अच्छा बनाऊँ। मैं तो मैं हमेशा गड़बड़, हालांकि कच्ची रह गई है थोड़ी सी, ये देखो थोड़ी सी कच्ची रह गई है, पर ओके यही तो मेरा टैग है कि मैं रोटी कच्ची छोड़ देती हूँ थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पहन लेती हूँ अपनी रिंग
पे गिर गया है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ट्राईपॉड है, और ये ट्राईपॉड मुझे अज्जू ने दिलाए थे 2020 में जुलाई में, ताकि मुझे क्रंच वीडियो और टिकटॉक के वीडियो बनाने के लिए हर चीज़, बोलते ना अल्लाह पाक हर चीज़ किसी ना किसी वजह से ही मिलाता है। छोटी छोटी चीज़ें अभी सोचती हूँ ना, मैं छोटी छोटी चीज़ें सोचती हूँ तो मुझे लगता है सही है अल्लाह ही हर चीज़। अगर मेरे पास ट्राईपॉड नहीं होता तो मुझे ब्लॉगिंग के लिए कितनी मुश्किल होती है। अभी मेरी जहन में, अगर मेरे पास ट्राईपॉड नहीं होता तो मैं ये वीडियो शूट कैसे करती। तो अल्लाह पाक किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मिलाता, ऐसे ही नहीं छोड़ता। अल्लाह की बड़ी बड़ी मसलियतें जहाँ तक हम सोच नहीं सकते अल्लाह उससे ज़्यादा कर देते। तो ट्राईपॉड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकॉन को हिट करना, कमेंट में बताना कि मुझे और वीडियो कैसे बनाने हैं, और अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।